हेलो एवरीवन, पूनम सुकरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी इवनिंग स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसके लेयर्स को देख सकते हैं, इसकी फिलिंग ना बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और अभी तो बहुत जगह पे बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो आप इस स्नैक को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक मिक्सिंग बोल में मैं यहाँ पर एक कप और आधा कप यानी कि टोटल डेढ़ कप मैदा डाल रही हूँ। आप इसे अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आटा डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और इसके बाद मैं इसमें घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ना 3 चम्मच मैं मोयन के लिए घी डाल रही हूँ, और आप चाहते यहाँ पर तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से ना रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले तो, और इसके बाद ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका टाइट डो लगाकर रेडी करना है। ठीक है, अगर आप डो को टाइट लगाएंगे ना तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हमारा स्नैक्स बनेगा। डो बनाते समय ना बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, बस ये एक साथ आ जाए इतना ही नीड करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने डो लगा लिया है, और इसको ना हम ढक देंगे और 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर ना मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है डो को बनाने के लिए। तो अब ना हम अपने फिलिंग को भी बना लेंगे। तो यहाँ पर ना एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, और इसके बाद ना इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर लेते हैं। फ्लेम को ना मैंने लो से मीडियम के बीच में रखा है। इसके बाद ना मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च, और थोड़ा सा स्वीट कॉर्न है इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे, और इसके बाद ना मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। 10 से 20 सेकंड में ना जब हल्दी पक जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी ये बॉइल्ड मैश आलू, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों के साथ। दोस्तों, आप चाहे ना तो आप अपने हिसाब से इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो गाजर को भी कट करके डाल सकते हैं, कॉर्न्स को स्किप कर सकते हैं, ये टोटली आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़े से मसाले डालूंगी, तो नमक है, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर है, और इसी के साथ थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, और लास्ट में इसमें डालूंगी गरम मसाला। तो बस ये सारे मसाले हैं, और इन सबको डालकर हम ना 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि मसाला एकदम पक जाएगा और हमारा ये जो फिलिंग है ना बहुत ही अच्छा चटपटा सा बनकर रेडी होगा। मेरे पास थोड़े से फ्रोज़न मटर पड़े हुए थे, तो ये भी मैंने इसमें ऐड किया है, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है, और लास्ट में इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छा फीलिंग बनता है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे हम, और बस अब अपने गैस फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा फीलिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर ना मैंने एक बोल में लिया है ये 2 चम्मच मैदा, और इसी के साथ ना मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच घी। ठीक है, और इसको ना मिक्स कर लेंगे। इस वाले मिक्सचर को ना साटा भी कहा जाता है, और इससे ना हमारा स्नैक्स ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, और इससे लेयर्स बहुत अच्छे से खुल के आएंगे। तो ये देखिए, मिक्स कर लिया, कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी। तो ये बस रेडी है, इसको साइड में रखेंगे। और ये जो अपना डो है ना, ये भी एकदम अच्छे से 20 मिनट तक रेस्ट कर चुका है, तो इसको ना एक बार अच्छे से नीट कर लेंगे और स्मूथ कर लेंगे। अब मैं डो को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। सभी अगर इक्वल साइज़ के होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसको ना अच्छे से स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। और अब चलते हैं इसको बेलने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर देखिए, हम ना इसको पूरियों के साइज़ का इस तरह से बेल लेंगे, और अपने जो हमने सभी लोई को काट कर रखा हुआ है ना, सबको हम इसी साइज़ का बेल के रेडी करेंगे। कोशिश कीजिएगा एक साइज़ का ही रखिएगा। और इस तरह से देखिए, हमारे ये पहला पूरी रेडी हो गया है। नाउ इसी सेम प्रोसेस से हम अपने सभी पूरियों को बेल कर इस तरह से रेडी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे मैंने और भी कई सारे स्नैक्स की रेसिपी शेयर की है, आप उनको चेक कर सकते हैं। सो बस यहाँ पर जो अब हमने साटा को बनाकर रखा था ना, उसको एक पूरियों के ऊपर रखेंगे, और इसके बाद अपने दूसरे पूरी को इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, वापस से ये साटा लगाना है, और फिर से अपनी दूसरी पूरी को इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस आपको सभी पूरियों के साथ रिपीट करना होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप क्या क्या नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, ये आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
तो देखिए बातों बातों में यहाँ पर मैंने सभी पूरियों को एक साथ कर लिया है। हल्का सा इसे साइड से ना हम इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसके बाद ना दोस्तों थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे अपने चॉपिंग बोर्ड पर और इसको ना हमें बेलना है। तो आप ना जितना लंबा हो सके उतना बेलिएगा। मैं ना यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अपने चॉपिंग बोर्ड के साइज़ का ही इसको रख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने इतना लंबा इसको बेल कर रेडी किया है और इसके बाद में जो साइड के एजेस है ना इसको मैं यहाँ पे कट करके हटा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने हटा लिया है। दोस्तों ये जो हमने लेयर्स बनाया है ना इससे बहुत ही अच्छी है, जब हम इसे फ्राई करेंगे तो लेयर्स खुलेंगी जो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इस तरह से ना मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अपने फिलिंग को हम बीच में रख देंगे। दोस्तों ये फिलिंग ना अब तक एकदम अच्छे से ठंडा भी हो गया है तो इस तरह से बीच में रख देंगे। बहुत ज़्यादा एक्सेस फिलिंग को भी फिल मत कीजिएगा वरना ये फ्राई करते समय निकल जाएंगे। थोड़े थोड़े फिलिंग को लगाएंगे। अब इसके बाद ना साइड में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से अपने डो को फोल्ड करेंगे। देखिए जिस तरह से एक आलू पैटिस होता है ना उसी सेम प्रोसेस से आपको इसको फोल्ड करना है। ये देख रहे हैं बहुत ही आसान सा स्टेप है और एकदम अच्छे से साइड को पिंच कीजिएगा ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो ये स्टफिंग जो है ये तेल में ना निकल के आ जाए। और बस साइड में ना आप अच्छे से पानी को लगाइएगा और सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से सभी पैटीज़ को हम फोल्ड कर लेंगे। वैसे हम ना आज इसको ऑयल में फ्राई करने वाले हैं, आप चाहे ना तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, चाहे तो एयर फ्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सभी पैटीज बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को ना मैंने मीडियम रखा है और इन पैटीज को ना एक एक करके डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। और अभी इनको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब 1 से 2 मिनट हो जाएगा ना तो इसके ऊपर से एक लेयर आ जाता है, उसके बाद ना हम इसको टर्न करेंगे, ठीक है। अपने फ्लेम को ना मीडियम पे ही रखिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे कर देंगे ना तो लेयर्स अच्छे से खुलते नहीं हैं और कलर तो आ जाता है पर अंदर अंदर से अपने पैटिस पकते नहीं हैं। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे करके पकाइएगा, बहुत ही अच्छे से लेयर्स खुलेंगे और बहुत ही परफेक्ट हमारे यहाँ पे पैटिस भी बनेगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से कलर आ रहा है इसमें, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गया है और ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आ गया है ना। और ये आप देख सकते हैं ना इसमें कितने अच्छे से लेयर्स खुल भी गए हैं फ्राई करने से। तो एकदम परफेक्ट हमारे यहाँ पे पैटिस बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। सो इसको निकाल लेते हैं और ये देखिए कितने अच्छे लेयर्स खुले हैं, तो है ना एकदम परफेक्ट रेसिपी। आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आप इसको हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अभी तो बहुत जगह बारिश भी होने लगा है ना, तो इस बारिश के मौसम में अगर ये गर्मा गर्म आलू पैटिस मिल जाए तो क्या ही कहना, एकदम क्रिस्पी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।